स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज जेई की स्टूडेंट्स के लिए एक सबसे बेहतरीन चीज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस के साथ मैं आया हूं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए सबसे पहले आपको जरूरी होगा समझना इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए पहले आप फंक्शन समझिए कि अगर लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो दिस इज कॉल्ड y इज अ फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा y बराबर साइन x, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इस केस में आप क्या कहते हो कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, पर ऐसा लिखा हो x इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस वाई प्लस कॉस वाई, देन यू से x इज अ फंक्शन ऑफ y। पर अगर दोनों मिक्स हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लें कि e टू द पावर एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू फोर वाई दिया हुआ है, तब इसमें यह नहीं पता चलता कि x y का फंक्शन है कि y x का फंक्शन है। तो सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस को लिखने के लिए हमने लिखा है कि f ऑफ x कॉमा वाई, जिसमें x और y मिक्स होते हैं, x और y अलग अलग नहीं होते। जैसे ये कि y इज इक्वल टू पूरा x के बराबर है, x इज इक्वल टू पूरा y के बराबर है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं और इनका डिफरेंशिएशन यानी इनसे dy by dx निकालने का तरीका हम आज सीखने वाले हैं। तो इनसे dy by dx निकालने का तरीका है, जैसे मान लीजिए कि हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3a xy इज इक्वल टू जीरो। ये c का वैल्यू इस केस में क्या है, जीरो। तो राइट साइड मस्ट बी अ कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट हो या फिर जीरो हो, तो नो प्रॉब्लम, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब हमें इसका dy by dx निकालना है, तो यूजुअली हम इसका dy by dx कैसे निकालेंगे, 3x स्क्वायर, इसका 3y स्क्वायर dy by dx, 3ax into y में हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। लेकिन अब आपके पास जो बेहतरीन सी तकनीक है वो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जेई के सारे क्वेश्चंस जो इस पे बेस्ड हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं सॉल्व करूंगा, और आप देखिएगा क्या टेक्निक है वो dy by dx की। तो ये dy by dx की टेक्निक है माइनस, इसे डेल कहते हैं, डेल ऑपरेटर, डेल f by डेल x अपॉन डेल f by डेल y। डेल इज यूज्ड फॉर पार्शियल डेरिवेटिव, किसके लिए यूज करते हैं हम, पार्शियल डेरिवेटिव क्या है। तो जब हम डेल f by डेल x लिखेंगे तो डेल f by डेल x क्या होगा, डेल f by डेल x होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। wrt स्टैंड्स फॉर विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना। सिमिलरली डेल f by डेल y, पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। तो पार्शियल का मतलब क्या है कि जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y क्या रहेगा, इस केस में y को कांस्टेंट जैसा मानना है, y शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। और जब आप डेल f बाय डेल y करोगे तो डेल f बाय डेल y में कौन कांस्टेंट रहेगा, इस केस में x कांस्टेंट रहेगा, x कांस्टेंट होगा। और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज f नाउ, तो f इसको कहते हैं, इसी दिस इज कॉल्ड f, इसी को f कहेंगे। किसको, इस पोर्शन को, जो कांस्टेंट के लेफ्ट साइड का पोर्शन है उसको f कहेंगे। तो जैसे इसका dy by dx निकालना है तो इसका dy by dx होगा माइनस डेल f by डेल x अपॉन डेल f by डेल y। तो अब देखिए माइनस डेल f by डेल x, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x स्क्वायर, y क्यूब का डिफरेंशिएशन जीरो, क्यों, क्योंकि y क्यूब इस केस में y क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए। प्लस इसमें कौन कांस्टेंट है, 3ay कांस्टेंट रहेगा, तो 3ay बाहर आ जाएगा, x का क्या बन जाएगा, 1 अपॉन, अब किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, इसको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x क्यूब का क्या हो जाएगा इस केस में, 0, y क्यूब का कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर, प्लस 3axy का क्या हो जाएगा, तो 3ax कॉमन, y का कितना होगा, 1, y का कितना, 1। अब ऊपर नीचे से 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर
प्लस ए वाई अपॉन थ्री कॉमन वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स। तो ये एक जादुई और बेहतरीन टेक्निक है, बट दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्लास 12 डिफरेंशिएशन। पर 12th के डिफरेंशिएशन के लिए ये यूज नहीं कर सकते, ये एक्सक्लूसिवली इट कैन बी यूज्ड फॉर जेई। जो जेई के लिए बैठेंगे, जेई में अपियर होंगे, जिसमें ट्रिक से काम करना है उसमें कर सकते हैं। 12th वाले स्टूडेंट इसे क्रॉस चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये था इसका डिफरेंशिएशन कैसे सीखा हमने, और एफ का महत्व तो समझा, व्हाट इज एफ और व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव्स के और भी यूज है, जैसे आप कॉनिक सेक्शन में वर्टाइसेस निकालना हो आपको, सर्कल में इलिप्स में सेंटर निकालना हो आपको, तो इसका यूज कर सकते हैं हम। और अब हम कुछ क्वेश्चंस, जैसे यूजुअली हम क्वेश्चंस देखते हैं जो जेई में पूछे हुए हैं, तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन से इनकी वैल्यूज निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू अब आपसे पूछा है, हालांकि थोड़ा पुराना क्वेश्चन है पर भी बहुत सीखने लायक है। एक्स ई टू द पावर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और हमसे पूछा है डी वाई बाय डी एक्स। ये जो मेरे पास बुक है ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बुक है, तो आप इसको देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन को आप पाएंगे। डी वाई बाय डी एक्स निकालना है आपको, तो डी वाई बाय डी एक्स आप देखिए मेरे साथ बने रहे एक मिनट के अंदर, विद इन अ मिनट, आप घड़ी से नोट करके चले एक मिनट के अंदर आया कि नहीं आंसर आपका। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको या तो उसको इधर भेज दें या इसको उधर भेज दें, और फिर इसको एफ मान लेंगे। तो अगर इसको इधर रखते हैं एक्स ई एक्स वाई, तो इसको इधर ले आए। अब समय नहीं लगाना, ज्यादा समय नहीं यूज करना और ज्यादा वेस्ट नहीं करना, इसको क्या मानेंगे आप एफ। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स होगा माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाय डेल वाई डेल एफ बाय डेल एक्स। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो यहां भी एक्स है यहां भी एक्स है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या होगा, माइनस एक्स का वन ई टू द पावर एक्स वाई कॉन्स्टेंट, एक्स कॉन्स्टेंट ई टू द पावर एक्स वाई का ई टू द पावर एक्स वाई। अब पावर का एक्स इंटू वाई का, तो एक्स इंटू वाई का ऐसा होगा जैसे टू एक्स का होता है टू इंटू वन, तो ऐसे ही एक्स इंटू वाई का होगा। तो वाई बींग अ कॉन्स्टेंट वाई इंटू वन क्या बन जाएगा, ये वाई इंटू वन। वाई का कितना हो जाएगा, वाई का जीरो, वाई का डिफरेंशिएशन जीरो। माइनस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो पहले पावर का टू साइन एक्स, फिर किसका साइन एक्स का कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय डेल एफ बाय डेल वाई। अब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो वाई के रिस्पेक्ट में एक्स बीइंग अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अब प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। ई टू द पावर एक्स वाई का ई टू द पावर एक्स वाई, फिर पावर का किसका एक्स वाई का, तो एक्स वाई का हो जाएगा वाई इंटू वन। माइनस वाई के रिस्पेक्ट में वाई का वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का जीरो, यह आपका आंसर आ गया विद इन अ मिनट, और उससे भी फास्ट, बहुत बढ़िया शानदार। ये क्वेश्चन तो पुराना है थोड़ा सा, 1996 में आया था जब फिल इन द ब्लैंक्स भी हुआ करते थे, तो ये तब का क्वेश्चन है। अब आप और देखिए, और क्वेश्चन हम देखते हैं। अब आपको नया लेटेस्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं, 2019 में आया है। ई टू द पावर वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ई, ये दिया है, और आपसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स कॉमा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू। इसमें हायर ऑर्डर भी है तो कोई घबराने की बात नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो इनकी वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू जीरो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आप पहला सवाल है तो मैं लिख देता हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किए e अपॉन रूट ऑफ फोर प्लस, सॉरी ये है वन बाई ई कॉमा माइनस वन बाई स्क्वायर। क्वेश्चन बड़े आसान है, कोई ऐसी खास बात नहीं, ट्रिक अपने को समझ में आ जाए कि कौन सी लगाना है, तब फिर ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सी है
1 by e comma 1 by e square d minus 1 by e comma minus 1 by e square. अब इनमें से दोस्तों कोई सा आंसर सही है, तो अब इनमें से कोई भी आंसर सही है चारों में से, और ये 2019 का क्वेश्चन था, पिछला थोड़ा पुराना था लेकिन सीखने के लिए सवाल था, और ये भी बहुत टॉप क्लास प्रॉब्लम है। आए अपन समझे इसको कि क्या इसका यूज है, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन है ये भी एक, और dy by dx मैं निकालता हूं। आपने अगर मेरे पिछले वीडियो को देखा हो, पिछले डिफरेंशिएशन के मैंने दो वीडियोस और बनाए हैं, तो उनको भी जाके देखिए, तो आपको थोड़ा बेसिक्स और समझ में आएंगे, और नहीं देखे तो जरूर से देखना, और कोई कमेंट लगे तो कमेंट जरूर करना। लास्ट टाइम भी कुछ कमेंट्स आए थे तो वो मैंने कंसीडर किए और अकॉर्डिंगली उसमें चेंज किया। अब देखो इसको, इसमें राइट साइड में क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो दिस कैन बी कंसीडर्ड एफ। अगर आप इसको नहीं चाहते इधर लाना चाहते हैं तो भी लाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। लेकिन सबसे पहले एक बात है कि आप जैसे dy by dx निकालेंगे, तो dy by dx तो आप एक झटके में निकाल देंगे, माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स डेल एफ बाय डेल वाई, बहुत आसानी से निकाल देंगे, एक ही झटके में निकलेगा आपका। तो देखो क्या निकलेगा, माइनस, पहले x के रिस्पेक्ट में करना है तो y का जीरो, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा एक्स वाई का, इसका हो जाएगा वाई, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर नीचे किसके करेंगे, डेल एफ बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में, तो ई वाई का हो जाएगा ई वाई, और एक्स वाई का हो जाएगा एक्स, क्योंकि वाई का वन हो गया और एक्स बीइंग अ कांस्टेंट। तो ये आपने एक झटके में निकाल दिया dy बाय dx, कौन सा रूल लगा के, वो जो मैंने आपको सिखाया। अब x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है अपने को, जी, तो x की जगह जीरो रख देंगे हम, पर y की जगह क्या रखेंगे, तो x की जगह जीरो आप सबसे पहले यहां रखें। अगर आप x की जगह जीरो यहां रखेंगे तो ऑन पुटिंग x इक्वल टू जीरो यू विल फाइंड व्हाट इज y, x इज इक्वल टू जीरो अगर आप इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर y प्लस जीरो x इंटू जीरो इंटू वाई जीरो इज इक्वल टू e, ये हो गया e टू द पावर y इक्वल टू वन, सॉरी e टू द पावर वन, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू व्हाट वन। तो इसका मतलब है x की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट करना है, और y की जगह कितना सब्स्टिट्यूट करना है हमें, वन। तो हमें dy by dx की वैल्यू निकल जाएगी, तो dy by dx की वैल्यू के लिए हम यहां पर x की जगह क्या रखना है, जीरो जीरो, y की जगह वन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन ई टू द पावर वन, तो वन अपॉन ई टू द पावर वन, तो इधर दिस में भी करेक्ट और दिस में भी करेक्ट, ये दोनों गलत हो गए। अब अपने को इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, तो सेकेंड डेरिवेटिव देखो बहुत, अब सेकेंड डेरिवेटिव के लिए ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी, माइनस, और आप बिल्कुल थोड़ी मेहनत करें और मेरे वीडियो को आखिरी तक देखा करें, क्योंकि आप आखिरी तक में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बताता हूँ जो असाइनमेंट टाइप है, जिनको आप घर पे खुद सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाए। तो ये हो जाएगा बच्चों ई वाई प्लस एक्स, अब y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy by dx माइनस y कांस्टेंट ब्रैकेट, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ey का हो जाएगा ey dy by dx प्लस x का वन, ये पूरा हो गया आपके पास। अब अपने को क्या निकालना है, तो अब जो जो निकालना है वो समझ लेते हैं हम। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, x की जीरो आ गई है और y की वैल्यू वन आ गई है, x की जगह जीरो रखना है और y की जगह वन रखना है। तो dy by dx तो मैंने आपको बता दिया था क्या आया था, dy by dx एट x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू वन, ये आ गया था आपका वैल्यू वन अपॉन ई टू द पावर वन, यानी वन अपॉन ई। अब x की जगह जीरो और y की जगह वन यहां भी रखना है, तो ये आ जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर वन प्लस जीरो। अब सवाल उठता है कि dy बाय डी एक्स की जगह, तो dy बाय डी एक्स की जगह ये वैल्यू लिखेंगे वन बाई ई माइनस वाई की वैल्यू वन ई टू द पावर वन dy बाय डी एक्स, dy बाय डी एक्स की वैल्यू वन अपॉन ई प्लस वन अपॉन ई टू द पावर वन
प्लस जीरो स्क्वायर। अब देखो कैंसिल हो रहा है, ई से ई कैंसिल हो गया तो ये क्या बनेगा आपका वन, माइनस ई से ई कैंसिल हो गया तो ये वन माइनस प्लस माइनस वन अपॉन ई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया माइनस वन बाई ई स्क्वायर, तो माइनस वन बाई ई स्क्वायर किस में, तो ये आंसर आपका सही है और ये आंसर आपका गलत हो गया। तो इसका सही आंसर, सही ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो भी थर्ड क्वेश्चन था मेरे ख्याल से ये हमारा, उसका सही आंसर है ए। ये आप खुद सेल्फ भी एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, आपको मजा आ जाएगा। अब देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का, जिससे आपको कॉन्फिडेंस और आएगा। ये क्वेश्चन है, इसमें लॉग ऑफ, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन बनेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू एक्स वाई, और हमें निकालना है वाई डैश जीरो। वाई डैश जीरो का मतलब है मेरे बच्चों कि जब वाई, जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू निकालनी है, वो इसके dy by dx की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है, इसका मीनिंग है dy by dx when x is equal to what, when x is equal to zero। तो वही अपना रूल लगाए, लेकिन रूल लगाने के लिए सबको पहले इधर लेके आ जाए, तो हो जाएगा log of x plus y minus 2xy equal to zero। कांस्टेंट अगर इधर होता तो लाने की जरूरत नहीं थी, और लेकर के आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो dy by dx क्या होगा, अच्छा इसके भी चार ऑप्शंस लिख देता हूं मैं, वन माइनस वन टू जीरो, वन माइनस वन टू जीरो, ये चार ऑप्शन है। तो डीवाई बाई डी एक्स निकालने पहले, माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स, माइनस इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली वन अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर अंदर वाले का करेंगे तो जीरो प्लस वन, वन जीरो प्लस वन इज वन, कोई बात ही नहीं। माइनस टू एक्स वाई का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 2y हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब इसको y के रिस्पेक्ट में करो, 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 2xy का कितना हो जाएगा, तो 2xy का y के रिस्पेक्ट में 2x हो जाएगा। अब हमें x की जगह क्या रखना है, x की जगह 0 रखना है, पर y की जगह भी तो आया क्योंकि यहाँ y भी है, तो फिर एक काम करो, x की जगह 0 पहले यहाँ रख दो, तो अगर x की जगह 0 यहाँ रख दोगे तो दिस इम्प्लाइज log ऑफ जीरो प्लस वाई माइनस ये जीरो, तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू जीरो। अब लॉग वाई का बेस अगर यहां पे लिखा नहीं है तो इसका बेस ई है, ई जिसको आप एल एन लॉन भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर जीरो, ई टू द पावर जीरो मीन्स वन, तो y की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो फिर हम y की जगह यहां पे 1 रख देंगे और x की जगह 0, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे और y इक्वल टू 1, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड dy by dx एट x इज इक्वल टू 0, उसी को x इक्वल टू 0 बोलेंगे। तो यहां पे आप निकाल लें, यहां पे माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 अपॉन 0 प्लस 1 माइनस टू इंटू जीरो, ये तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, अदरवाइज आप तो इसको और तेजी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सॉल्व करने में क्या आया, वन माइनस टू इज माइनस वन और वन माइनस जीरो इज वन, तो दिस इज व्हाट माइनस वन। तो इसका सही आंसर कौन सा है, सही आंसर इसका बी ऑप्शन सही है, जो कि किसके बराबर है, माइनस वन के इक्वल टू है, के इक्वल है, ये आपने देखा। अब आपको एक क्वेश्चन 2019 का और मैं बताता हूं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एडवाइस करूंगा, वो भी सॉल्व करना आप। क्वेश्चन नंबर 5, लर्निंग आपकी बढ़िया है, बस आप आखिरी तक वीडियो देखते रहें, आपको कोई दिक्कत की बात लगेगी नहीं। आपका क्वेश्चन इस तरह से है, x log बेस e, log ये log है, log बेस e, log ऑफ x बेस e माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और dy by dx when x is e, dy by dx की वैल्यू when x is e, x बराबर क्या है e, इसमें वैल्यू पूछिए।
तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस हैं, ई अपॉन रूट फोर प्लस ई स्क्वेयर, टू ई माइनस वन, टू रूट फोर प्लस ई स्क्वेयर, वन प्लस टू ई, फोर प्लस ई स्क्वेयर रूट में, वन प्लस टू ई, टू अपॉन रूट ऑफ फोर प्लस ई स्क्वेयर। इनमें से चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले क्या करें हम, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ई। तो सबसे पहले तो आप पहली फुर्सत में x की जगह e डाल के y निकाल लो। तो अगर मैं आपको इस सिस्टमेटिकली सॉल्यूशन लिखूं तो फर्स्ट ये a है, ये b, c, d, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। x इज इक्वल टू ई पुट करो, x इज इक्वल टू ई, तो x इज इक्वल टू ई इम्प्लाइज x की जगह e रख दिया, e log log बार बार बेस नहीं लिखते e, माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा है, फोर लिखा है। तो ध्यान से देखो, लॉग ई इज व्हाट, लॉग ई इज वन, ई टू द पावर ई, ई टू द पावर वन इज ई, तो ये हो गया वन, और लॉग ऑफ वन इज जीरो, ई इंटू जीरो जीरो, और ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर प्लस ई स्क्वायर, ये माइनस ई स्क्वायर उधर चला गया, फोर प्लस ई स्क्वायर, दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ फोर प्लस ई स्क्वायर, तो रूट ऑफ फोर प्लस ई स्क्वायर। तो अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो अब बहुत आराम से काम है। डी वाई बाई डी एक्स के लिए वही माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाय डेल वाई, वरना आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा और आपको मुश्किल भी जाएगी। माइनस ब्रैकेट, इसका डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स का वन लॉग लॉग एक्स कॉन्स्टेंट प्लस x कांस्टेंट log log x का 1 बाय log x और log x का 1 बाय x माइनस x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 0। या ये टेक्निक आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस टेक्निक को समझे और उन्हें भी इसका फायदा मिल पाए। x log, अब डेल एफ बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो पूरा कांस्टेंट है तो इसका 0, माइनस एक्स स्क्वायर का 0 प्लस वाई स्क्वायर का केवल डिफरेंशिएशन आएगा 2y। अब हमको दोस्तों क्या रखना है इसमें, अब हमको रखना है एट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर, ये रखना है x की जगह 0 और y की जगह दिस। तो x की जगह 0 रखेंगे तो यहां भी देख लें आप, पहले क्या रखेंगे यहां रख देते हैं, x की जगह अब हमें क्या दिया था, x की जगह e दिया था, सॉरी x की जगह e रखेंगे और y की जगह ये, तो x की जगह e रख दें तो ये हो जाएगा log e वन और log ऑफ वन जीरो, तो ये वाला हो गया आपका जीरो प्लस, इसमें रख दें आप x की जगह e तो वन अपॉन log e वन, तो ये हो जाएगा वन माइनस, यहां पर x की जगह e रख दें तो जाएगा टू ई डिवाइडेड बाय टू टाइम्स, यहां पर क्या लिखा हुआ है y, तो y की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, अंडर रूट फोर प्लस ई स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया आपका, वन माइनस, ओ सॉरी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला सही हो जाएगा टू ई माइनस वन, जब ये माइनस इंसर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा टू ई माइनस वन। तो दोस्तों हमने इम्प्लिसिट क्वेश्चंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देखे और आपको कई क्वेश्चंस उससे रिलेटेड सॉल्व कराए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होते हैं, मैं आपको उनके भी डिफरेंशिएशन बताता हूं, और एक क्वेश्चन मैं लिख के दूंगा, आप उसको घर पर ट्राई करना, अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करना और बिल्कुल संकोच नहीं करना। x टू द पावर y, देखो ऐसा लिखा क्वेश्चन, x टू द पावर y, y टू द पावर x इज इक्वल टू वन, और इसमें हमसे पूछा कि व्हाट इज dy बाय dx, बहुत बढ़िया और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो इम्प्लिसिट के फॉर्म में, इसको क्या मान लो आप f, और देखो एक लाइन में आंसर, अदरवाइज इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि आप देख मैंने सॉल्व करेंगे सिस्टमेटिकली तो टाइम लगेगा, और टाइम का आप जानते हो यहाँ इंपॉर्टेंस है, सारा खेल टाइमिंग का है। x टू द पावर y का, तो dy बाय dx में डेल एफ बाय डेल एक्स, एक्स कॉन्स्टेंट है, एक्स कॉन्स्टेंट है तो ये ए टू द पावर x के फॉर्म में होगा, ए टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, ए टू द पावर x log a,
तो ये हो जाएगा, सॉरी डेल एफ बाय डेल एक्स है तो वाई कॉन्स्टेंट होगा, तो वाई कॉन्स्टेंट होगा तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस वन, और ये इस फॉर्म का होगा, किस फॉर्म का, इस फॉर्म का a टू द पावर x के, क्योंकि अब ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा a टू द पावर x का क्या होता है, a टू द पावर x log a, तो ये हो जाएगा y टू द पावर x log y। अब अपॉन में, अपॉन में किसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को, तो अपॉन में इसी का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, y वेरिएबल है x कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, ये पावर वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर y log x प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x इंटू वाई टू द पावर x माइनस वन। अगर आपको बेसिक्स के डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो तो भी मुझे लिख के भेजिए, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, और आप अपने दोस्तों से मेरी बातें सब लाइक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि आप इसका फायदा ले रहे हैं, ये सारे दोस्तों में सर्कुलेट हो, और अभी ये जो टाइम है लॉकडाउन का पीरियड है, इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करना, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। मैं जो डॉक्टरेट हूँ मैथमेटिक्स में, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, और ये जो वीडियोस हैं ये केवल आपकी मदद करने के लिए हैं, और कोई इसका दूसरा लाभ नहीं है। आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें मेरी बात पहुँचाएँ, अपनी बात पहुँचाएँ, अपने देश को समृद्ध बनाएँ। विश यू ऑल द बेस्ट माई डियर।